माँ, मैर चाची अपनी बच्ची को लेकर इतनी डरी हुई क्यों लग रही थी? आपने मुझे बताया था ना कि माँ बनना परमपिता परमेश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर परमपिता परमेश्वर ने मैर चाची को अपना आशीर्वाद दिया तो उन्हें तो खुश होना चाहिए ना। यीशु, बच्चे के जन्म से पहले ही माँ और बच्चे में आपस का रिश्ता जुड़ जाता है। बेटा, माँ बच्चे की हर एक धड़कन सुन सकती है। माँ का हर एक निवाला बच्चे का भोजन बन जाता है। उसकी नसों में जो खून दौड़ रहा होता है वही बच्चे की रगों में दौड़ रहा होता है। यहाँ तक कि माँ की हर एक सांस बच्चे की सांस बन जाती है। तो मेरे बच्चे, जब रिश्ता इतना गहरा हो तो चिंता भी गहरी होगी ना। जैसे मुझे तुम्हारी सुरक्षा की हर वक्त चिंता रहती है, ठीक उसी तरह मेहर चाची को भी अपने बच्चे की सुरक्षा की चिंता होती है। मेरे बच्चे की रक्षा करो। माँ, मेहर चाची के पति कह रहे थे कि मेहर चाची की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे बात कुछ और है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है यीशु? मेहर चाची बीमार नहीं है, बस वो बहुत डरी हुई है और मैं जानता हूँ कि उनका डर सच्चा है। बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अच्छे लोगों के साथ परमपिता परमेश्वर हमेशा अच्छा करते हैं। धन्यवाद माँ, आपने अपनी हर सांस को मुझ तक पहुँचाकर, अपने हर हिमालय को मेरा भोजन बनाकर अपने बेटे के रूप में मुझे जन्म दिया। परमपिता परमेश्वर, आप मेरी माँ को और इस संसार के सभी माँ को खुश रखना। जोर लगा बेटा और गहरी सांस लो। हाँ, बस बस घबराओ मत मेहर, बस थोड़ी देर का कष्ट और है, उसके बाद एक प्यारा सा बच्चा तुम्हारी गोद में होगा, उसके बाद तुम सारे कष्ट भूल जाओगी अपने। मामी, जैसे मेरे बच्चे का जन्म होगा सबसे पहले मेरी गोद में दीजिएगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे किसी के हाथ में मत देना। तुम इतनी चिंता मत करो मेहर, नहीं तो तुम्हारा कष्ट और बढ़ जाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो सब सब ठीक करेंगे। हे प्रभु, बेटा ही चाहिए प्रभु, बस बेटा ही देना प्रभु। अगर मेरी कामना पूरी हो गई तो मैं 100 भूखे लोगों को खाना खिलाऊंगा, उन्हें कंबल बांटूंगा और 100 दिन नंगे पांव मंदिर जाऊंगा। बस बेटा ही देना। मेहर चाची और उनके बच्चे को आपकी जरूरत है परमपिता, उन दोनों की रक्षा कीजिए। माँ और बच्चे दोनों को अपना आशीर्वाद देकर सुरक्षित रखिए।
मेहर। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रसव की पीड़ा सहन करना आसान नहीं होता है। अभी देखना, थोड़ी देर में अपने आप होश आ जाएगा। जाइए बाहर जाके सबको शुभ समाचार दे दीजिए कि दोनों स्वस्थ हैं। अर्जुन, अर्जुन मुबारक हो। माँ और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। भाभी, कहाँ है मेरी बच्ची? भाभी, किसी के हाथों में मत देना, भाभी, किसी के हाथों में मत देना। यीशु, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? मुझे बताओ, मैं मदद करती हूँ। मैं मेहर चाची और उनके बच्चे के लिए एक तोहफा ढूंढ रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बताओ तो सही कि तोहफे में क्या सोचा है? मैंने सोच लिया माँ, वही ढूंढ रहा हूँ। मिल गया। माँ, आपने मुझे बताया था ना कि जब मेरा जन्म हुआ तो देवदूत मुझसे मिलने आए थे। मैं वही चाहता हूँ कि मैं चाची और उनकी बच्ची को भी परी का आशीर्वाद मिले, इसलिए मैं उन्हें परी वाला खिलौना तोहफे में देना चाहता हूँ। मुझे अभी उनके पास ले चलिए माँ। वैद्य होने के नाते मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जब तक उसकी शारीरिक और मानसिक हालत ठीक नहीं हो जाती, उसे किसी भी अजनबी से नहीं मिलना चाहिए। चलिए ना माँ, मैं अभी उन्हें ये तोहफा देना चाहता हूँ। अगर यीशु इतनी शिद्दत से अभी के अभी मेहर से मिलना चाहता है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। ठीक है बेटा, हम चलते हैं और तुम्हारी मेहर चाची को उनकी परी से मिलाते हैं। आपने कहा था ना भाई साहब कि बच्ची के पैदा होते ही उसे मंदिर ले जाकर शुद्ध जल से अभिषेक करवाना है। लेकिन मंदिर जाने की इतनी जल्दी भी क्या है? मेहर ने अभी तक अपने बच्चे को ठीक से देखा तक नहीं है। तुम्हें कितनी बार समझाया है मैंने कि ईश्वर के कामों में अपनी टांग मत अड़ाया करो। अर्जुन, मंदिर में जाकर कौन कौन सी विधि करनी है उसके बारे में अच्छी तरह से सोच लेना। मैंने सब सोच लिया भाई साहब, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलिए। कम से कम मेहर को अपने बच्चे से गले तो लगाने दीजिए, फिर कर लीजिए जो भी आपकी विधि है। मेरी की बात सही है, और मेहर ने मुझसे कहा भी था कि बच्चा पैदा होने के बाद सिर्फ उसी के हाथों में दूं, पर उसके बेहोश होने की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाई। मेहर को होश आ गया है, वो बहुत रो रही है और बार बार अपनी बच्ची को पूछ रही है। जल्दी उसकी बच्ची उसकी गोद में दे दीजिए, नहीं तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। आप तो खुद एक वैद्य हैं रब्बी गुरुजी, आपसे भला अच्छा कौन जान सकता है कि बच्चे को जन्म देने के बाद जच्चा की हालत कितनी नाजुक हो जाती है। हाँ हाँ, आप ठीक कह रही हैं, बच्चे को मेहर के पास ले जाना चाहिए। ये लीजिए, बच्ची को ले जाकर मेहर को दे दीजिए, मैं मंदिर होकर आता हूँ। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि क्या क्या तैयारी करनी है। कहाँ है मेरी बच्ची? भाभी, हमें मेहर को और इंतजार नहीं करवाना चाहिए ना उसकी बच्ची से मिलवाने के लिए। चलिए। Thank you.
लिए और आपकी बच्ची के लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। माँ ने मुझे बताया था कि जब मेरा जन्म हुआ तो तेतु तुमसे मिलने आए थे और तब से लेकर आज तक वह समय मेरी रक्षा करते आए हैं, इसलिए आपके और आपकी बच्ची के लिए मैं ये परी लाया हूँ। इसे हमेशा अपने पास रखेगा, ये परी हमेशा आपकी बच्ची की रक्षा करेगी। लेकिन जब भी तुम्हारी तरफ देखती हूँ एक अलग सा सुकून मिलता है, ऐसे लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यीशु, अब माँ और बच्चे को आराम करने दो, हम घर चले। चलो अर्जुन, इस तरह से गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि ईश्वर अपने अपने ढंग से हर इंसान की परीक्षा लेते हैं। उन्होंने मुझे दृष्टिहीन बेटी देकर मेरे विश्वास की परीक्षा ली। तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेने के लिए हो सकता है उन्होंने तुम्हें बेटी दी हो। मुझे ये विश्वास की परीक्षा परीक्षा की बात नहीं सुननी। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे ये बेटी नहीं चाहिए और मैं कैसे भी करके इससे छुटकारा पा कर रहूंगा। कहने और करने में बहुत फर्क होता है, ये कोई झगड़ा फसाद नहीं है जो करके भूल गए। मेरी बात अच्छी तरह से याद रखना, तो जो तुम करने की सोच रहे हो ना वो तुम्हें जिंदगी भर के लिए बेचैन कर देगा, सोने नहीं देगा तुमको वो। इसलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि एक बार तुम अच्छी तरह से सोच लो। भाई साहब, मुझे अपने फैसले पर रत्ती भर भी संदेह नहीं है और मुझे पूरे जीवन में इसका पछतावा भी नहीं होगा। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मेरा इस काम में साथ देंगे या नहीं, और अगर नहीं देंगे तो मैं अकेला इस बच्ची को मौत की नींद सुला दूंगा। नहीं दूंगा, किसी भी हाल में तुम्हारी बेटी के खून से अपने हाथ नहीं रंगूंगा, परंतु मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी ही मदद करूंगा कि तुम्हारे इस कदम में घर के अंदर या बाहर कोई बवाल ना मचे। तो ठीक है, फिर घर के लिए जल्दी से काम को पूरा करते हैं। मेहर तो उसे पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करती, उसे लेकर कैसे जाओगे? उसका भी एक तरीका है मेरे पास। मेहर, दाई माँ ने खासकर तुम्हारे लिए काढ़ा बनाया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें इसे तुरंत पी लेना चाहिए, इससे तुम्हें आराम भी मिलेगा और ताकत भी। लो। दाई माँ से जाकर कह दीजिए कि मुझे कमजोरी महसूस नहीं हो रही है, मैं भाप में पी लूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं पियोगे तुम, आजकल तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। चलो पी लो, पी लो, पी लो। तब तक मैं अपने जीवन की भूल
इस बच्ची को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक कर आता हूं। जो भी करना होगा मेहर के होश में आने से पहले करना होगा। चिल्लाना है चिल्ला ले, कोई नहीं आने वाला बचाने तुम्हें। जन्म के साथ ही तुम्हारी कुंडली में मौत लिखी है, मौत, और उसे बदला नहीं जा सकता। अगर जीना था तो बेटा बनकर पैदा होना चाहिए था ना। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जो करने की सोच रहे हो ना, उसके बारे में एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो, क्योंकि अगर किसी को गलती से भी पता चल गया ना, तो तुम हत्यारे घोषित कर दिए जाओगे और सारे गांव वालों के सामने तुम्हें पत्थर मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। मेरी बच्ची तुम ठीक हो ना? तुम्हारी माँ ना तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। तुम्हें ठंड लग रही है, रुको रुको मैं तुम्हें उड़ाती हूँ। मेरी बच्ची में कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरी बच्ची ना हमेशा मेरे पास रहेगी। मेहर, अर्जुन कहाँ है? वो मेरी बच्ची को मुझसे दूर ले जाएगा। मेहर, मैं ले जाने नहीं दूंगी। मैं ले जाने नहीं दूंगी। मेहर, क्या हो गया तुमको? इधर आओ मेहर। मेरी बच्ची से दूर आओ। मेहर, मेहर मेरी बात सुनो। मेरे पास बताइए, मैं अपनी बच्ची को अर्जुन के पास ले जाने नहीं दूंगी। मेरी बात सुनो, मुझे खुद भी नहीं पता अर्जुन कहाँ है, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। नहीं, मेहर दूर आओ। मेहर, मेहर मेहर मेरी बात सुनो। क्या हो गया तुम्हें? मेरी बच्ची से दूर आओ, मेरे पास बताइए। मैं सब जानती हूँ, अब मेरी बच्ची को मुझसे दूर करने आई है ना। नहीं, मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दूंगी। दूर हटिए, दूर हटिए मुझसे, दूर हटिए। मेहर, मेहर रुको। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा भाई साहब। कैसे क्या करना है मैंने सोच लिया है। वो देखिए, उस टीले के नीचे गहरी खाई है, वहीं से फेंक दूंगा इसे। कहां जाकर गिरेगी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलिए जल्दी काम खत्म करते हैं। मेहर, मेहर मेरी बात सुनो। मेहर, मेहर रुको। देखिए पता नहीं इसे क्या हो गया। चलिए मेहर मेरी बात सुनो। मेहर, मेहर रुको। चाची रुकिए। मेहर, चाची रुकिए। माँ, मीना जी मेरी चिंता मत कीजिए, आप मेहर को रोकिए।
आखिरी बार कह रहा हूं मैं, एक बार फिर से सोच लो। देखो देखो तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं प्यार करता हूं तुमसे, इसलिए कह रहा हूं। देखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने फैसले के लिए जिंदगी भर पछताना पड़े। मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया भाई साहब, बेटी मेरे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। अगर आज मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया तो मुझे जिंदगी भर के लिए पछताना पड़ेगा। मेहर, मेहर रुक जाओ। इसे क्या हुआ?